नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत खुशी हो रही है कि आपका इलेक्शन के माहौल में आपसे मुलाकात हुई। अपना परिचय देंगे सर? मैं दीनानाथ प्रसाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद का नेता और रामावतार शास्त्री प्रतिमा समिति के सचिव बोल रहा हूँ कि देश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया, लोग अच्छे लोग दरकिनार होते जा रहे हैं और अच्छे सरकार का चुनाव नहीं करते हैं। कभी देश के अंदर नाग ना जाएगा, सांप ना थाएगा, गरीब का बोलने वाला पार्टी गौन हो रहा, उसका लोग दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए जनता को समझना चाहिए कि जब तक देश में गरीबों की सरकार नहीं बनेगी तो बेरोजगारी नहीं खत्म होगा, स्वास्थ्य का स्थापना नहीं होगा, पुल पुलिया नहीं बनेगा। और अभी पटना शहर का इतना हालत ख़राब है कि पानी बरसे नगर तालाब, हाथ में जूता पैंट उठा हो जाते हैं बरसात के दिनों में। तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देश के अंदर एक अच्छे सरकार बने, न कि इम्पलिस्टों का सरकार बने, धनियों का बने, भूसामियों का बने, गरीब गुरबा का सरकार बने। मैं इसका समर्थन करता हूँ। बेगूसराय से नौजवान कन्हैया खड़ा है, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि उसको एक एक वोट से सोच समझ करते हैं और भारी मतों से जिताएं। ये आपका एक बात कहना है कि आजकल के भारतीय राजनीति में जो है वो अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं, उन्हें जीतने भी नहीं दिया जाता है और अपराधी प्रवृत्ति के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो राजनीति में उनका प्रवेश हो जाता है, एमएलए एमपी बन जाते हैं और उनके कारण क्या होता है कि अपराधियों की आबादी भी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे आप, ऐसा क्यों होता है? लोग अपने मत का प्रयोग सही प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? चुनाव के राजनीति पैसा तंत्र का हो गया जी, और पैसा जिस तरह से कैंडिडेट जुटाए इसलिए राजनीति का अपराधीकरण होगा ही। पैसा इतना बहाया जाता है, अरे बूथ में पैसा और पैसा खर्च करने का क्या जरूरत है? जनता आपके पक्ष में है, जनता आपको वोट देगी। लेकिन एक जमाना था, यहाँ से स्वर्गीय रामावतार शास्त्री पटना संसदीय से लोकसभा में जीत कर जाते थे, कांग्रेस के बढ़ती हवा में यहाँ कांग्रेस के देश आज़ादी में घूमता रहा, जीतने नहीं देते थे। 1967 में पहला उन्होंने चुनाव जीता था तो कांग्रेस के राम दुलारी सिन्हा को 9000 से हराया था। और फिर 71 में कैलाशपति मिश्रा जनसंघ से उनका टसल रहा, उनको 79000 से हराया। फिर जेपी मूवमेंट में महामाया प्रसाद सिन्हा से सशक्त हो गए और फिर महामाया प्रसाद सिन्हा को 1980 में 20,413 वोट से हराए। यह उनका इतिहास रहा और उनको जिताने के लिए जनता खुद चंदा देती थी और इलेक्शन में मदारी थे, कैसे वोट लिया जाएगा। वो जाते थे चौक चौराहा पर भाषण करते थे, उनका जीप टूटल भांगल में, तेल का खर्चा नहीं रहता था तो भाषण के बाद अपील करते थे, भाइयों इसके बाद गाड़ी नहीं बढ़ेगी तो आप 1-2 रुपया हमको निकाल के दीजिए, तो 50-60 रुपया हो जाता था, उस समय तेल भरा जाता था, फिर आगे बढ़ जाते थे। ये स्थिति थी उनकी। इस तरह के ईमानदार नेताओं की का अभाव है हमारे। हाँ, इसलिए ईमानदार नेताओं का अभाव है, उनका हम रिलेशन नहीं बताएँ का। अच्छा एक बात और, एमएलए एमपी बन जाते हैं, इलेक्शन के समय आती सभी के दरवाजे पर आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझे वोट देकर जीताओ, जब इलेक्शन में जीत जाते हैं एमएलए एमपी या वार्ड काउंसिलर है उसके बाद अपनी जनता को लोग भूल जाते हैं और गरीबों के अधिकारों का हनन बढ़ जाता है, भूमाफिया जो है वो गरीबों का शोषण करता है, उनका घर उजाड़ देता है और प्रशासन भी मुख दर्शक बनी रहती है। आज के वार्ड पार्षद या मुखिया का चुनाव में जब मुखिया पर शोध किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जब शोध करने के लिए निकलते हैं तो मुखिया रहती है और वहाँ निकलता है मुखियापति मुखियापति जी। और इसी प्रकार
बहुत साल जो राजनीति का पद्धति है, अब काउंसलर मुखिया काफ़ी विकास के काम में उसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है, लेकिन उसका भी अब फंड का दुरुपयोग होता है, वो भी अपने चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके जीत के आता है, ये स्थिति है। सबसे बड़ी बात है एमपी एमएलए का कोटा हो गया, तो पहले कार्यकर्ता लोग आंदोलन प्रदर्शन करके कुछ काम करा देते थे, तब तो कार्यकर्ता पैदा ही नहीं हो सकता, अब उस एमपी का कार्यकर्ता रहेगा तब न अपने इलाका में काम कराएगा कि फंड उसके पास है, करोड़ों की फंड, ये सब गलत परंपरा हुआ जिसके कारण संसदीय जनतंत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है मेरी समझ। एक बात और पता चला है कि बहुत सारे एमएलए एमपी जो है उनका फंड का जो पैसा है वो कागज़ पर ही खर्च होता है, शायद जनता के बीच उसका ये नहीं जा पाता है वो सेवा। अभी सबसे बड़ा हाल है किसानों का जी, अभी भी हम बिहार के अंदर या देश में भारत में 75% कृषि पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, लेकिन आज तक किसानों को जो अंग्रेज के समय दो तीन गो नहर खोदा गया, आज तक अगर नहरों का जाल बिहार के अंदर बिछा दिया जाता तो दक्षिणी बिहार सूखा नहीं रहता, उत्तरी बिहार डूबता नहीं, लेकिन आज तक के लोग कुछ नहीं, जब आता है समय तो बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, ये स्थिति बिहार का है। बहुत सारे युवक और ये क्या कहते हैं लोग जो हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी, जिस दिन इलेक्शन दिया जाता है उस दिन घर में पिकनिक मनाते हैं, सिनेमा देखते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन वोट देने नहीं जाते, उनसे आप क्या कहेंगे? वोट नहीं देने का कारण है फ्रस्ट्रेशन हो रहा है जी, देख रहा है देश के अंदर जब से भारत में चुनाव हुआ आज तक बेरोजगारी नहीं ख़त्म की गई, आज तक वादा करते गया और कि हम 10 साल में कर देंगे बेरोजगारी ख़त्म, और वो 3 साल में सरकार उनकी चली गई, तो यह स्थिति हंग असेंबली पूरे भारत में चल रहा है, हसंग हंग पार्लियामेंट चल रहा है, एक दल की सरकारें नहीं है, बहुत से लोगों को मिला के, और सबसे बड़ा देश के लिए नुकसान है जातीय पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स, कास्ट पोलराइजेशन और मजहब पोलराइजेशन में अच्छे कार्यकर्ता नहीं पैदा हो रहे हैं, उनको लाइक नहीं करते हैं, वो जात के रहेंगे तो वोट देंगे, तभी टिकट भी मिलता है। हाँ टिकट भी, ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं मिलता, टिकट भी हिसाब से मिलता है, देश के अंदर चल रहा है परंपरा, पहले लुक्का छिप्पी था, अब खुल्लम खुली लोग, अभी चुनाव आता है कौन अब पुल पुलिया सड़क नाला बनाएगा, सीधे बनाने वाले को नहीं वोट दे के कास्ट पोलराइजेशन मजहब पोलराइजेशन पर वोट दिया जाता है, जिसके कारण अच्छे कार्यकर्ता असेंबली के अंदर या आगे नहीं जाएंगे जो गरीब गुरुआ के सवालों को उठा सकते। अभी तो हम देख रहे हैं बिहार के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का 24-35 एमएलए रहता था, अभी एक भी एमएलए नहीं है जो कि गरीबों के बात के लिए बोले, और लोकसभा में भी एक एमपी है जो वामपंथ पार्टियां गरीबों का जन सवाल पर, चाहे माँ बहन का सिल हरण का सवाल हो, खेत का खलिहान का सवाल हो, लोग रेज करता था लोकसभा में, ट्रेड यूनियन का सवाल हो, ये सब सवाल अब बोलने वाला जीत के जा ही नहीं रहा था कौन बोलेगा, तो इस स्थिति इसलिए नहीं जा रहा है कि देश में सांप्रदायिक कास्ट और दूधरा हो गया है, दो संसदीय प्रणाली, धनी वर्ग का एक और नागनाथ का एक सांपनाथ का, आप जाइए हम आएंगे, हम जाएंगे आप आएंगे, यही स्थिति देश के अंदर चल रही है। ये जो युवक हैं जो बिहार को कहा जा रहा युवाओं का राज्य, सर्वाधिक युवक यही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतदान आ रहा है निकट 19 मई को होगा राजधानी पटना में मतदान, वैसे युवक को क्या कहेंगे, क्योंकि एक एक मत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं युवाओं बिहार के युवाओं और छात्र नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार लाना है या अच्छे नेता रहनुमा को चुनना है तो अपना एक एक वोट घर से निकल के दे दोगे तभी जीतेगा, नहीं तो वो लोग तो चाहता है कि वोट नहीं दे हम वोट गिरा लेंगे अपने आदमी को मैनेज करके, इसलिए नौजवानों को
बिहार के नौजवानों को बिहारी रीत और बिहारी कुहर। बिहार एक धनी राज है लेकिन यहाँ के लोग गरीब क्यों है? इसलिए कि यहाँ के नेता लोग बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, खाली अपना मलाई खाते हैं। तीनन्ना जी एक सवाल और है, MLA MP जीत के जाते हैं जो कि जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं, जनता की सेवा के लिए ही जीत के जाते हैं, जनता उन्हें वोट देती है कि हमारी मतलब कि हमारे रक्षक हमारे हितों का ख्याल रखेंगे, लेकिन जैसे मुजफ्फरपुर कांड हुआ और भी जो समस्याएं होती, भू माफिया जो राजधानी में सक्रिय हैं, निर्भय हैं, गरीबों को अपनी ज़मीन पर मकान नहीं बनाने देते हैं, इन सब मामलों में MLA MP भी खामोश रहते हैं, क्यों? इसलिए कि उनका वोट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खामोश रहते हैं। कास्ट है उसका बिगड़ जाएगा, मजहब है तो उसका बिगड़ जाएगा, इस नाम पर चुप हो जाते हैं, वादा करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं। गरीब को सता है, बड़े बड़े वादा करते हैं, खाली गरीबे का सब समाजवाद का बात करते हैं, लेकिन समाजवाद तो लोग नहीं हैं, वो लोग जो कहने वाले। लेकिन एक बात जान लीजिए, धन जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा, धन और धरती बंट के रहेगा, ये आप जान लीजिए। मार्क्सवाद क्या है? जो भी गरीबों का रहनुमाई कर लो, विज्ञान है, इसलिए विज्ञान है कि रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको कोई नहीं लग ठीक करेगा तो नतीजा होगा कि देश में हर में से चुनाव होते जाएगा, बीच में भी हो जाएगा, क्योंकि नौजवान सड़क पर आ जाए। अभी देश के अंदर और बिहार के अंदर जो स्थिति है यही है, यहाँ सबसे ज़्यादा कास्ट पोलराइजेशन, बजट पोलराइजेशन है, जो देश के लिए भारी नुकसान है, घातक है। ये रहेगा जब तक गरीब का रहनुमा पैदा नहीं होगा, पैदा भी होगा तो ऐसी रह जाएगा। असेंबली जो लोकसभा कहलाता है, विधानसभा कहलाता है, विधान परिषद कहलाता है, इसमें नहीं जा पाएगा तो गरीबों का सवाल कौन बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, स्थिति है। गरीबों का अधिकारों का हनन हो रहा है, सभी खामोश है, न्याय नहीं मिलता है, न्याय की देवी तो लगता है न्यायालय में रहती नहीं है, संविधान में। आज तो बाबा साहब का जन्मतिथि भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मतिथि, संविधान पर भी हमला हो रहा है जी, उसका भी अनुच्छेद बदली जा रही है, जो सरकारें हैं उस तरह का अपना संविधान का अनुच्छेद निकाल के और संविधान का रूपरेखा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था जिसमें दुनिया के सभी तबके के लोगों को जात मजहब से अलग होकर और उनके जयंती पर भी नहीं, लोग बड़ा बड़ा नाम लेगा कि बाबा साहब यह थे वह थे, लेकिन उनके राहों पर नहीं चलता। आज हमारे समाज में दलित भी शोषित है, दलित भी शोषित है, दलितों को तो कुछ समझता ही नहीं, जबकि दलितों को भी जीने का अधिकार है, वो भी इंसान है। जमींदारी राज में भी इस तरह का नहीं है, जो नया अंग्रेज नया जमींदारी लोग आ गया, जो कि समझे ना, जो दलितों को नहीं जान रहा है, खटिया पर नहीं बैठने दे रहा है। इसलिए बुरे अंग्रेज चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज लोग हैं जो सत्ता पर आ गए हैं और इसी तरह के एक तरह के जमींदारी प्रथा तो चले गए, लेकिन नए जमींदार पैदा हो गए, जो धरना सेठ हैं, साहूकार हैं, भूस्वामी हैं, ये लोग का चल रहा है। भू माफिया अभी पटना शहर में शहरी हदबंदी कानून को ख़त्म कर दिया, इसमें क्या हुआ? शहर में जो ज़मीन थी अब उसको बड़े दाम पर अपार्टमेंट बनाने के लिए धरना सेठ लोग बिल्डर लोग आके दाम लगा रहे हैं और उसको बना रहे हैं। शहरी भूमि हदबंदी करने से भारी नुकसान हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून बड़ा खतरनाक कानून था, इसमें था कि रोड का ज़मीन आपका ले लेता और पीछे आपका ज़मीन छोड़ देता, और नतीजा है कि बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े साहूकार, टाटा बिरला, गोयनका, मुफतला, सिंघानिया, इस सब को उसके लोगों को बसा था, वो आगे दुकान में आप पीछे रहते, ये स्थिति था। इसलिए आपका ज़मीन जहाँ भी रोड था उसके आगे वाला ज़मीन खरीदना चाह रही थी सरकार, इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं लागू होना चाहिए, मेरी समझ है।
दीनानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सलाह दी जनता को, आपने समय दिया और युवाओं को कहा कि अपने वोट का महत्व समझें और मतदान के दिन जरूर वोट देने जाएं और घर में बैठे न रहें, पिकनिक न मनाएं, सिनेमा न देखें, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। तभी एक जो है गरीबों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बनेगी और गरीबों के अधिकारों का जो है वो रक्षा होगी, अधिकारों की रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ जी। अमृत जी न्यूज़ से, मैं रंजन कुमार, अमृत जी, अमृत जी न्यूज़, पटना, बिहार।